आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हम इस क्वेश्चन में दे रखा है कि राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का हमें क्या लिखना है? ट्रूथ वैल्यू लिखना है। ठीक है, हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है कि श्रीलंका क्या है? श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री। ठीक है, ऐसा हमें गिवन है। एंड यमुना इज ए रिवर। ओके, तो देखो सबसे पहले इसका यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट। पहले इसको क्या, कंपाउंड स्टेटमेंट को मैं क्या करने वाला हूँ? कंपोनेंट लिखने वाला हूँ, कंपोनेंट स्टेटमेंट। लेट पी हमारा स्टेटमेंट है कि श्रीलंका इज एन आइलैंड। ठीक है, आइलैंड कंट्री, ऐसा कुछ स्टेटमेंट हमारा पी है। ओके, और क्यू जो मैंने माना क्यू स्टेटमेंट को कि यमुना इज आ रिवर, ये हमने क्यू स्टेटमेंट माना। ओके, तो देखो ये पी स्टेटमेंट तो मेरा ट्रू स्टेटमेंट है। अपन जानते हैं कि श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है और यमुना भी एक रिवर है। ठीक है, ये भी अपन जानते हैं, तो ये भी हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, बीच में इन्होंने यूज किया है एंड वर्ड का। ठीक है, देखो एंड वर्ड के लिए कोई भी चीज़ ये अगर मैं कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिखूं, तो अगर दोनों ट्रू हैं इंडिविजुअली, अगर पी स्टेटमेंट ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो इसका मतलब एंड वाले में हमारा, अपन जानते हैं कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट मिलके बनेगा इन दोनों से, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ये अपन जानते हैं। अगर अपन इसका ट्रूथ वैल्यू देखे एंड वाले का, तो वो कुछ इस टाइप में होता है। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये हमारा पी रहा, ये हमारा पी वाला रहा कॉलम, और ये हमारा क्यू वाला कॉलम रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये अगर मेरा पी था, पी स्टेटमेंट, और ये मेरा क्यू था, तो पी एंड क्यू का रिजल्ट देखो, देखो पॉसिबिलिटी क्या है। ये अगर पी है तो ट्रू मान लो, और इसका फॉल्स मान लो स्टेटमेंट। एक बार इसको फॉल्स मानो, इसको ट्रू मानो, एक बार दोनों को फॉल्स मानो, एक बार दोनों को ट्रू मानो, यही पॉसिबिलिटी है स्टेटमेंट के होने की। ठीक है, तो अगर पी एंड क्यू लिखूं, तो अगर दोनों में से कोई भी फॉल्स है, तो वो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स ही होता है, ये अपन जानते हैं। तो ट्रू हमारा सिर्फ एक ही केस में होता है, जब दोनों ट्रू हो। ओके, तो ये हमारा केस है। अब देखो ट्रू और फॉल्स को अपन लिखते हैं 1 और 0 से भी हैं। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको अपन 1 से भी डिनोट करते हैं, और अगर कोई फॉल्स है तो उसको 0 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा ट्रू दोनों स्टेटमेंट है, यानी कि ये वाला केस हो गया ट्रू और ट्रू, यानी पी ट्रू स्टेटमेंट, क्यू भी ट्रू, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा पी एंड क्यू का, वो भी हमारा ट्रू हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे बोल पा रहा था कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, यानी कि उसकी वैल्यू 1 है। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।